Hello, dear students. Very good morning to all. I am Dipali Patel, your teacher at Tana English Medium School. Students, I hope all are fine and safe at home. I am studying in an excellent manner through this video lecture series. Students, aaj ki is video lecture mein hum karenge English. So first of all, take out your English CW. Aapko kaun si CW nikalni hai? English ki. और इंग्लिश के सीडब्ल्यू में अब तक हमने क्या किया है, लेसन नंबर टू अ स्नेल स्टेप के आंसर दी फॉलोइंग कंप्लीट किए हैं। कितने आंसर दी फॉलोइंग थे? फोर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस थे और हमने वो फोर कंप्लीट किया है। आपने मेरे साथ कर लिया है ना? ओके, सो वो आंसर दी फॉलोइंग ओपन कीजिए और उसके नेक्स्ट वाला जो पेज है आंसर दी फॉलोइंग, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कम्प्लीट किया है तो न्यू पेज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो आज हम करने जा रहे हैं राइमिंग वर्ड्स। क्या करेंगे आज हम? राइमिंग वर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हियर टुडेज डेट। आज की आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है और यहाँ पे स्टार बनाइए और मेरे साथ हेडिंग दीजिए आर एच वाई एम आई एन जी राइमिंग वर्ड्स डब्ल्यू ओ आर डी एस। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन। ओके, ये जो हमने हेडिंग लिखा, टाइटल लिखा, इसको क्या करना है? अंडरलाइन। ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। देन आफ्टर रीड वन लाइन, ये वाली जो लाइन है पूरी, ये वन टू थ्री फोर लाइन जो मैंने आपको पूरी ये कर दी और नेक्स्ट वाले से हम राइटिंग वर्ड्स कर दिए, ठीक है? सो यहाँ नंबर वन एस एच ई डबल एल। सी स्टूडेंट्स, इसके आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देन नंबर टू डी ओ डब्ल्यू एन। नाउ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में, बट आपको कंटिन्यू ही करना है। आपने तो ऑलरेडी न्यू पेज स्टार्ट किया है, तो आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? ये टू के बाद थ्री वाला आपको नीचे एग्जिट लिखना है। नेक्स्ट थ्री है एम एन ई डब्ल्यू। देन फोर है सी ए एम ई के। उसके बाद है टी ए आई एल टे। और नंबर सिक्स है एन ओ एस ई नोस। स्टूडेंट्स, शेल डाउन फ्लू के टेल एंड नोस। सो नाउ अब हम करेंगे इसके राइमिंग वर्ड्स। सो शेल का राइमिंग वर्ड क्या होगा? राइमिंग वर्ड्स मतलब आपको पता है ऐसे वर्ड्स जिसके स्पेलिंग है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और उसका जो साउंड निकलता है, जो हम उसे बोलते हैं, जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो उसका साउंड भी सेम निकलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर तो टेल वेल, ये सारे क्या है? राइमिंग वर्ड्स। हम यहाँ पे लिखेंगे बीई डबल एल बेल, टी डबल एल टेल, है ना, डब्ल्यू डबल एल वेल। तो ये सब इसके राइमिंग वर्ड्स, इनकी स्पेलिंग है वो सेम दिखती है और उसका जो साउंड निकलता है, जो राइम क्रिएट होता है वो भी सेम होता है। नेक्स्ट डी ओ डब्ल्यू एन डाउन। सो डाउन का राइमिंग वर्ड क्या होगा? टाउन, डी ओ डब्ल्यू एन टाउन, डाउन टाउन, है ना, बोलने में सेम जैसा और स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है? तो ये राइमिंग वर्ड्स है। फ्लू एफ एल ई डब्ल्यू ब्लू, तो बी एल ई डब्ल्यू ब्लू, बी एल ई डब्ल्यू ब्लू, ठीक है, फ्यू ब्लू। उसके बाद है केन, सी ए एम ई केन, तो एस ए एम ई सेम, है ना, एन ए एम ई नेम, ठीक है, जी ए एम ई गेम। तो ये सारे केन के राइमिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट है टी ए आई एल टेल। हम करेंगे यहाँ पे एफ ए आई एल फेल। दूसरा होता है
M-A-I-L, mail, J-A-I-L, J. और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग होता है. तो राइमिंग वर्ड्स कोई भी उठा के नहीं लिख देना है, ऐसे राइमिंग वर्ड्स जिसके कुछ मीनिंग बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है N-O-S-E, nose, N-O-S-E, nose. तो R-O-S-E, rose. ठीक है, R-O-S-E, rose. फिर P-O-S-E, pose. तो ये सारे nose के rhyming words हैं. ठीक है, now students, ये rhyming words आपको कौन से CW में लिखने हैं? अपनी English की CW में with nickname के writing. ओके, आपको ये rhyming words बाय हार्ट करने हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखवा है वही आप एग्जाम में लिखें, आप दूसरे भी राइटिंग वर्ड्स बना के लिख सकते हैं, बट उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए.